युवराज बना। डाउट है, यही क्वेश्चन डाउट है सर। आगे का भी क्वेश्चन कुछ आगे कहाँ है? आगे वही सर जो अभी सर वो पूछे थे ना, और मैंने साइटिटा और था और उसके आगे भी सर लगातार दो क्वेश्चन, और उसके पीछे भी जो होता है 8.1 का सर उसमें भी दो दिक्कत है, दो क्वेश्चन उसमें भी ये और के दिक्कत दो क्वेश्चन ओनली सर ये और के सर। उसमें पॉइंट 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 उतना पॉइंट कैसे करेंगे सर, है। अरे वो उसका न्यूमरेटर वाला 0.4 है ना, उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करेगा तो हो ही जाएगा। करें सर। मेरा हो गया सर, हो गया। क्या था बोलो तो कुंदन, क्या क्या क्वेश्चन था? चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, जल्दी जल्दी सब डाउट कवर करते हैं। बोलो एक का वन करके। माइनस साइन प्लस थीटा सेक पाई बाय 4 प्लस थीटा ठीक सेक पाई बाय 4 प्लस थीटा, बस है सर। और है बोलो आगे। एक एक पाई बाय 4 माइनस थीटा पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू टू सेक। अरे एको को क्या बोलता है बोलो ना पूरा। टू थीटा तो एक ही बार पूरा बोलो तो एको को बोलता है। देखो यहाँ पे सेक पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू सेक पाई बाय 4 माइनस थीटा बराबर हम लोगों को कहाँ पहुँचाना है? 2 sec 2 थीटा। इसको एकदम सिंपल सिंपल तरीका क्या है ना, आराम से इसको नीचे ले जाओ, 1 बटा cos π/4 प्लस थीटा, और इसको भी नीचे ले जाओ, 1 डिवाइडेड बाय cos π/4 माइनस थीटा। इसको हम लोगों को क्या करना है, 2 cos थीटा यानी 2 cos 2 थीटा, यहाँ तक हम लोगों को ले जाना। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 2 cos 2 थीटा को या तो हम लोगों को cos²θ - sin²θ देखने को मिलेगा, मतलब cos2θ के आसपास जितना फॉर्मूला होता है वही हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अगर सिंपल तरीका से देखो, सिंपल तरीका से सॉल्यूशन करोगे तो सिंपल तरीका से क्या मिलेगा इसका, तुम लोग एक फार्मूला तुम लोग को हम बताए होंगे, cos A+B × cos A-B, याद है किसी को? जी सर तुम लोग को बताए होंगे हम क्या बताया था इसका फार्मूला। cos A × cos B − sin A × sin B क्या cos A cos B? ओए होए, sin A × sin B ये नहीं, पूरा दोनों का cos मल्टीप्लाई square था। theta minus sin square theta cos cos²A − sin², भी ये बताए थे। cos²A − sin² भी बताए होंगे फार्मूला। तो यहाँ से देखो तो डायरेक्ट अगर करते हैं हम लोग, देखो बनाओगे तो तोड़ोगे तो एको करके दोनों को ब्रेक करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट तोड़ो ना। cos²A − sin² भी एक जगह पर कितना है, यहाँ पे एक जगह पर 5 4π/4 है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, cos² एक जगह π/4 माइनस, यानी कितना है, sin²B, B के जगह पे कितना है, sin²θ, और हम लोग को यहाँ पे 2 sec 2θ प्रूफ करना है ना। अब देखो यहाँ पे cos²π/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, होगा जी कि नहीं सर होगा? cos π/4 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1/2।
देखो यहाँ वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1/2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोला सर्दी हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन करो क्या मिलता है, वन ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया यहाँ तक समझा। 2 एलसीएम लिया नीचे स्टेप पर का नहीं, 2 नीचे एलसीएम, 1 - क्या मिलेगा, 2 sin² थीटा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय देखो 1 - 2 sin² थीटा, और 1 - 2 sin² थीटा बराबर क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 sec थीटा। हो गया सर। अब आगे बोलो। आज खाली डाउट है, अच्छा डाउट सब कवर करवा लो फिर। अब ऐसे भी अभी लग रहा है सब सरस्वती पूजा मना रहा है। तुम लोग ज्वाइन की हो रे लड़की लोग, मिटाएं इसको। आओ बोलो, आओ डाउट है तो। खुशबू भारती, तुम लोग का बन गया सर। सर बन गया है, बोलो। क्या ठीक लिख रहे हैं ना, साइन प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा -1 -1 स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा है सर। 2 sin² थीटा माइनस कैसे इसको बनाएगा, यहाँ है ऊपर sin 3 थीटा + cos 3 थीटा, कौन बनाया है इसको बोलो। हम बनाए सर, हम बनाया सर। कैसे बनाया है, सर तोड़ दिया है सर, पहले sin 3 थीटा को ब्रेक कर। देखो sin 3 थीटा को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करेगा, कौन सा फॉर्मूला है, 3 sin θ - 4 sin³θ। हाँ 3 sin θ - 4 sin³θ, cos 3 थीटा को 4 cos³θ + 3 cos θ, यस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे सेम टू सेम रहने दो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे 4 है, इस जगह पे 4 है, 3 sin θ 3 cos θ, यहाँ से 3 बाहर निकालो तो अंदर क्या मिलेगा, sin θ + cos θ, ठीक। और यहाँ पे देखो माइनस है और 4 है दोनों जगह, -4 यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे sin³θ + cos³θ, ठीक। और नीचे है जस के तस, ऐसी रहने दो, 3θ sin θ + cos θ, ऊपर से देखो। अच्छा रुक जा, एक स्टेप आप सर, चलो। वहां पे माइनस नहीं होगा सर। अरे माइनस होगा यहाँ पे, ठीक ना,
लेकिन ई माइनस है ना, तो माइनस के साथ तोड़ेंगे तो ई माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं समझा बात, वो समझ गया। अरे तो फॉर्मूला वो मिटा दिए, 4 cos³θ प्लस 3 cos θ। इसको ना ब्रेक कर दो यहाँ पे सर, तो टूट जाएगा। और ब्रेक करके एक बार कॉमन निकाल लेना, sin θ प्लस cos θ माइनस 4। देखो तो यहाँ पे sin³θ प्लस cos³θ क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³। a³ + b³ बराबर क्या होता है, sin θ प्लस cos θ, a³ + b³ इंटू a², यानी a² मतलब कि sin²θ प्लस cos²θ माइनस साइन टाइम थीटा इंटू cos θ, इतना हुआ। और नीचे ई स्टेप पर रखो sin θ प्लस cos θ। अब यहाँ से क्या करो ना कि ऊपर से देखो, sin θ प्लस cos θ यहाँ पे भी है, sin θ प्लस cos θ यहाँ पे भी है, दोनों जगह से ये वाला चीज बाहर निकालो। तो ये वाला चीज जब बाहर निकालेंगे ना, तो हम लोग को क्या निकलेगा, sin θ प्लस cos θ जब बाहर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग अंदर क्या मानेगा, यहाँ से तो निकाल दिए तो बचा अंदर 3, यहाँ से निकाल दिए तो अंदर में क्या बचा, -4। यहाँ पे देखो sin²θ प्लस cos²θ बराबर 1, माइनस यहाँ क्या मिला, sin θ इंटू cos θ ही मिला। और नीचे से क्या मिलेगा, sin θ प्लस cos θ, ये टर्म से ये टर्म कैंसल आउट, यहाँ से कट कुट करो 3, ये -4 अंदर जाएगा, -4 यहाँ से इसको नहीं करो, माइनस 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 प्लस 4 sin θ इंटू cos θ। अब देखो ये जो 4 sin θ इंटू cos θ, उसको क्या हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 sin θ इंटू cos θ, लिख सकते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे, -1 प्लस, अब देखो यहाँ 2, और ये कौन सा फॉर्मूला, 2 sin θ इंटू cos θ बराबर sin²θ, और इन्हें अकेले बच गया -1, -1 ही अलग, ये प्रूफ हो गया, ये नहीं लाना था। हो गया, चार का भी बोलो, मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं। चार का बी नहीं, चार का सी बोलो, का है सो। वन बटा कोटिटा माइनस वन बटा सेक थीटा हाँ, माइनस में टेन थीटा है सर, यही नहीं सर पूरे में, हाँ माइनस में टेन थीटा बराबर कोट थीटा कोट पाव फोर माइनस थीटा बाय टू कॉट थीटा कोट पाव फोर माइनस थीटा बाय टू कॉट पाई बाय 4 - θ/2। तो इसको क्या करना, तोड़ो नहीं, यहीं पे सेक को 1 / सेक को तोड़ दो 1 cos, टेन को तोड़ दो sin θ/cos θ। क्या हम लोग को मिलेगा, कॉस को सेल्सियम लेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा यानी cos θ, तो नीचे क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 - sin θ। अब इसी को हम लोग ब्रेक कर, देखो अब cos θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos²θ माइन सॉरी cos²θ/2 माइनस cos²θ/2 माइनस sin²θ/2। अरे और जो नया लोग है ना ज्वाइन किया हुआ, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो टेंशन मत लेना ना, आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 - sin²θ/2 प्लस cos²θ/2 -2, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग cos के साथ लिखते हैं cos। अच्छा गड़बड़ तो हो जाएगा, अच्छा ठीक, नहीं होगा सर, हाफ एंगल में बदल हाँ देंगे हाँ सर, cos θ/2 माइनस यहाँ पे होगा ना, माइनस
साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा। यहाँ होल स्क्वायर नहीं है ऊपरे, रुक जाना। अच्छा एक स्टेप आ, देखो ई वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न है, इसको से कट जाएगा एगो टर्म हुआ, क्या कटेगा सो देखो। कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ठीक। और नीचू इसको दो बार लिख दो, ये तो ए दो बार लिखा जाएगा, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। आओ, अरे सर हाँ ठीक, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू हो गया। ये देखो ये टर्म कटा, ये बचा, यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब हम लोग को माइनस, अब देखो यहाँ पे वो वाला पलट दो जो हम लोग किए थे, अभी इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे ना, वन डिवाइडेड बाय ये वाला है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और ये वाला टर्म को नीचे ले आओ, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाय टू, ऊपरे नीचे ऊपरे नीचे कॉस से डिवाइड कर दो आ जाएगा। ऊपरे नीचे यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वन डिवाइडेड बाय कॉस यानी वन माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन माइनस टेन थीटा बाई टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन प्लस टेन थीटा बाई टू। और देखो वन माइनस टेन थीटा बाई टू और वन प्लस टेन थीटा बाई टू ये किसके बराबर है, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू के बराबर है ये वाला, टेन ए माइनस टेन बी क्या होता है, टेन ए टेन 45 का वैल्यू वन माइनस टेन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा बाई टू, यही ना है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो हम लोग, वन डिवाइडेड बाय टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, और इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कॉट पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू हो गया। एक सेकेंड रुकना, हाँ बोलो। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकना, बोलो। अरे तू इतना डाउट कैसे, तो ग्रुपा का है ला, ग्रुपा में काहे नहीं भेजता है, कोई नहीं बना के भेजा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई बना के नहीं भेजेगा। बोलो, मतलब किसी से नहीं बन रहा है, टेन पैतालीस माइनस ए बाय टू ऐसे है, जी बराबर रूट अंडर बराबर रूट अंडर वन माइनस साइन ए, रूट अंडर में वन माइनस साइन ए, अरे तो सही से बोलो का का बोल रहा है। देखो टेन 45 माइनस ए बाई टू, ठीक है, जी बराबर रूट अंडर वन माइनस साइन ए, रूट अंडर वन वन, माइनस साइन ए वन साइन ए बटा वन प्लस साइन ए रूट ए में, ये करना है। सर रूट जो है ना पूरे रूट पूरे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक है सर, ये है, कोई बनाया था इसको,
माइक ऑफ सब रखो, बनाया था। माइक ऑफ रखो। अरे तो इसको तो ये जैसा करना है रे, वही तो पहुंचाइए देगा। ये देखो तो यहाँ पे 10π/4 - a/2 है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करो, नहीं तो सॉल्यूशन करेगा तुरंत हो जाएगा। रेशनलाइज करो इसको, क्या मिलेगा? 1 - sin a का होल स्क्वायर मिलेगा, डिवाइडेड बाई इसका अंडर रूट, डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिलेगा? अगर 1 माइनस यानी 1 - sin² a का अंडर रूट, ये वाला मिलेगा नीचे, ये ऐसे ये कैंसल आउट। अरे माइक ऑफ रखो। ऊपर क्या मिला? 1 - sin a मिला, और नीचे 1 - sin² यानी नीचे cos a मिला। आओ आओ हम लोगों को कहाँ जाना है? 1 - sin a डिवाइडेड बाई cos a इतना मिला। किसका माइक ऑन है? रंजन, श्रवण कुमार, अरे श्रवण कुमार माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। देखो यहाँ बाद इसको कैसे करना है, सो यहाँ बाद 1 - sin इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाय, अच्छा रुक जा एक स्टेप में, इसको 1 को लिख दो, sin² a/2 + cos² a/2। अब माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 sin a, 2 sin a/2 × cos a/2 लिख सकते हैं ना, 2 sin a/2 × cos a/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? cos² a/2 - sin² a/2। ऊपरे वाला क्या लिखते हैं से देखो, ऊपरे वाला में लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक ठीक है। अगर ऊपरे हम लोग लिखते हैं cos a/2 - sin a/2, ठीक, इतना का होल स्क्वायर डालते हैं, और अगर नीचे डालते हैं हम लोग, ये देखो a² - b² है ना, तो क्या डाल सकते हैं हम लोग? cos a/2 - sin a/2 नीचे डालो, और क्या हो जाएगा? ये cos a/2 + sin a/2। समझ में आ रहा है ना सबको कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो बोलना। sin a/2 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऊपरे देखो तो ये वाला 2 बार लिखा है ना, तो ये को साइन सॉरी cos a/2 - sin a/2 ये को कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर से ये वो बचेगा, केवल ऊपर से क्या बचेगा? cos a/2 - sin a/2 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? cos a/2 a/2 + sin a/2। फिर से वही काम, सेम चीज का करना है कि कॉस कॉस से डिवाइड करो, कॉस कॉस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या? 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 10a/2, 1 + tan a/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10π/4 - a/2। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आता है नहीं कैसे हो जा रहा, तो एक स्टेप आप भागो आगे, 1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10π/4, ठीक, -10a/2 इतना लिख सकते हैं। नीचे इस 1 को ऐसे ही छोड़ दो, इस 1 बराबर कुछ वैल्यू नहीं डालो, क्या कि इस 1 का हमको जरूरी है। 1 प्लस यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 एक है, तो 1 बराबर फिर लिख दो 10π/4 × 10a/2, और बगल में मेंशन कर देना 1 = 10π/4 होता है। अब देखो, अब ये सिस्टम हो गया, अब ये किसका फॉर्मूला है? फिर ये फॉर्मूला है 10a - b का, यानी 10π/4 - a/2 हो गया प्रूफ।
अरे ये सब नहीं बन रहा तोर से अंकित, आधा तुम लोग ने आधा कोशिश करता होगा। अरे अब सारा बहुत लंबा जा रहा, अब छोड़ दो इसको, ही नहीं बनेगा, बस छोड़ दिया, फंस जा रहा है, इससे फंस जा रहा है। आओ बोलो, क्वेश्चन आठ तक किसका किसका कंप्लीट हुआ? हम बना लिए पूरे सारे, जो जो डॉट है वही पूछते हैं। ठीक बोलो, कोस ए इनटू कोस 60 मिनट से कॉस ए इनटू कोस 60 मिनट से कोस 60 माइनस ए 60 मिनट से इनटू कोस 60 मिनट से कोस 60 प्लस सी बराबर बराबर 1/4 कोस 3 है, कोस 1/4 3 है, कोस कॉस थ्री है, 3 बस इसको कौन कौन बनाया? जी सर बनाए हैं, हम बनाए हैं सर। कैसे बोलो, प्रोसेस बताओ, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पे पुट की है सर, यस सबको। सर, जो 60 माइनस ए है ना और सिक्सटी हाँ, प्लस ए उसको तोड़ दिए तो आ गया। और यहाँ पे एक और टर्म प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस में कट कट गया होगा ना, देखो इसको दो तीन तरह से बना सकते हो। पहला कि ए माइनस बी से इस दोनों को तोड़ो तो कटेगा, अच्छा लेकिन कटेगा, हाँ कटेगा, और यहाँ पे कटेगा ना तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन साइन दो जगह आ जाएगा, तो साइन साइन वाला कटेगा और केवल कॉस 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 बचेगा, तो कॉस 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 वाला निकल जाएगा यहाँ से, या नहीं तो एक कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी से इस दोनों को ब्रेक करो। ठीक ना, तो वहां से भी आ जाएगा। बोलो फॉर्मूला क्या आता है कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का, वहां से तोड़ देते हैं, किसको याद है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए, ए की जगह कितना रहेगा 60, माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह ए यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक, और इसके पीछे कितना है कॉस ए है, कॉस ए रहने दो, और देखो कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है 1/4 होगा, तो यस सर। 2 2 4 माइनस, देखो इस साइन स्क्वायर ए को तोड़ो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के पर टर्न पे, अब देखो देखो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कॉस ए लिखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा, यहाँ पे अंदर मिलेगा -1, अंदर मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय, एक बार अगर हम लोग सबको देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सीधा सीधे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कॉस क्यूब ए नहीं मिलेगा, अरे सोल्यूशन करो रे, यहाँ पे क्या होगा कॉस ए बाई फोर माइनस कॉस ए प्लस कॉस क्यूब, अच्छा यहाँ ए बाई टू कहाँ से आ गया, कॉस क्यूब ए होगा ना, 4 LCM लो, अच्छा क्या ऊपर मिलेगा, देखो 4 cos A - सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे क्या होगा केवल कॉस ए माइनस, यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस 4 cos³a, फॉर्मूला कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऊपर देखो, 4 cos³a माइनस 3 cos A, यही ना फॉर्मूला होता है 1/4 cos³, पहला मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड क्या है ना कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के पैटर्न तो तोड़ो, तो फाइनली यह जगह पहुंचोगे, यही जगह, ये वाला टर्म तुम लोगों को फाइनली आएगा, और इसके बाद पीछे कॉस है तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा,
तो आगे शुरू। सर आई रे अभी बोला तुम कि दू गो हमारे डाउट है, मेरा इतना डाउट है। डाउट है सर, जो मैं एक अलग से इसके अच्छे सर डाउट है सर, बोलो। 8.8 का के नंबर कोस थीटा वाला 1/2 लड़की लोग तो बना रही है, लड़की लोग के जोड़ देंगे तुम लोग के ग्रुप में ताकि सब तो इनके सॉल्यूशन कर दें। तो इनका सॉल्यूशन होता नहीं है तुम लोग से, कोढ़ियागिरी करता है तो उन्हीं लोग कर करके तुम लोग को ढेर सर। बताएगी। बोल। एक क्वेश्चन है सर, पहले अरे रुको अंकित बोलो। मेरा सुन कोस लीजिए ना। थीटा बराबर बराबर कोस अरे तुम्हारा भी सुनेंगे, रुक जाना। कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस थीटा बराबर 1/2 इनटू एक्स प्लस 1/2 इंटू इनटू एक्स प्लस 1/2 करना है वाला बराबर थ्री थीटा कोस थ्री थीटा बराबर 1/2 इनटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्रूफ करना है। और इन्हें कॉस थीटा बराबर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है और क्या था, एक और किसका डाउट था बोलो तो। क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर, मेरा ऐसा ही पूछना है सर कि मैं क्वेश्चन खुद क्यों नहीं हो पाता है सर, इसका कारण क्या है बताइए। ओहो तुमसे मैथ में क्वेश्चन प्रूफ क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है ये बताएं, यही है डाउट। हाँ सर यही है। कॉन्सेप्ट जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय क्लास किया था। हाँ ठीक, कॉन्सेप्ट का क्लास किया उस समय समझ में आया था, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया था। हाँ होता है कभी कभी, होता है ऐसे कि नहीं क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है। देखो ये सब में ना क्वेश्चन प्रूफ करने वाला में ना एक होता है ना, जैसे साइकिल का रिंग देखता होगा, साइकिल में इससे लगा रहता है इस तरह का, इसमें चैन लगा रहता है ठीक ना। तो तुम्हारा भी दिमागवा ऐसे ही है, इसमें चैनवा ये वाला लगाओ तब पकड़ाएगा। अभी कैसे लगेगा इसको, लगने लगाने का तरीका पहले, अच्छा पहले सॉल्यूशन होता था मतलब पहले पहले ना। अभी भी होता है तो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। हम जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई भी प्रूफ करने वाला रहेगा ना, देखो इसमें ना दो तीन चीजों का ध्यान रखता है। जैसे अगर मान लो कि साइन थीटा और इधर कॉस थीटा, प्रूफ करने में जनरली दो चीज मिलता है, एक होता है LHS और एक होता है RHS ठीक ना। ये मिलेगा और हम लोग देख रहे हैं इतना सारा प्रूफ किया ना, इसमें तुम लोग देखा होगा कि सारा चीज का फॉर्मूला का निचोड़ है, कहीं अलजेब्रा का भी फॉर्मूला घुस रहा है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला घुस रहा है। इसमें सेम चीज यही है कि अगर LHS में साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है और RHS में साइन थीटा कॉस थीटा हमको प्रूफ करना है, तो इसको ना ये समझो ना मेनली यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेट लगेगा, अलजेब्रा का। मतलब ट्रिगो का यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि ट्रिगो का कॉन्सेप्ट लगाना, तो इस जगह पे अलजेब्रा मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई फार्मूला कहीं मिल जाएगा, a²-b² कहीं मिल जाएगा, a-b को तोड़ने के लिए a-b इंटू a-b इस तरह से कहीं कहीं मिल जाएगा, a³-b³। अगर साइन से साइन की ओर भागना है तब इस तरह का मिलेगा। और देखो जनरली ट्रिगो में क्या है वही सब तो यूज कर रहे हैं, अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट कब। और सेकेंड में क्या होता है ना, अगर मान लो कि टैन थीटा, अगर LHS में टैन थीटा से कुछ दिया हुआ इक्वेशन और RHS में हमको जाना है साइन थीटा या कॉस थीटा के आसपास ऐसे जाना है, तो ये जो टैन थीटा है ना सबसे पहले इसको तुम साइन में कन्वर्ट कर दो, कुछ भी यहाँ पे टैन में है तो तुम साइन में कन्वर्ट कर दो। साइन में कन्वर्ट करने से ना क्या होगा कि तुमको बहुत आसान हो जाएगा वहां तक पहुंचने में। तो अगर इधर LHS में टैन थीटा दिया हुआ है तो आराम से तुम साइन कॉस में, अब ऐसे भी जानते हो टैन थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस यही करना है। और इसके बाद यही जहाँ साइन बाई कॉस में फॉर्म में आ गया फिर अलजेब्रा ले आओ और अलजेब्रा वाला घुसा दो फिर सॉल्यूशन। हम लोग हम कर क्या रहे, वही तो केवल काम कर रहे अलजेब्रा।
अलजेब्रा में केवल जोड़ घटाव और गुणा सर क्या भाग। ये जरूरी है कि एक ही बार में क्वेश्चन बन जाए सर? अब एक ही बार में क्वेश्चन अब ऐसा थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि अब जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही बनेगा। एक बार में नहीं बन रहा, दो बार प्रैक्टिस करो। एक बार अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो उसको दो बार और प्रैक्टिस करो, समझो कि कौन कौन सा स्टेप यूज कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि सारा चीज एक ही बार में समझ में आ जाता है। मैथ है देखो, मैथ को जितना ही प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ये तुमको आसान होते जाएगा। और मैथ एक बार में कुछ नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। जो बन रहा है क्वेश्चन उसको चार बार बनाओ सर के, और तुमको खुद आइडिया लगने लगेगा ना कि अरे हाँ यहाँ से ये स्टेप लेते हैं ना तो यहाँ से हम लोग ये पहुंच जाते हैं। ये तुम लोग को सर बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री कब से पढ़ेगा? अरे सब हो जाएगा रुक जाना। ये तुम लोग को बुक दिए हैं ना बुक, ये हम भी सोल्यूशन नहीं किए हैं पूरा एक क्वेश्चन, लेकिन हाँ तुम लोग को मतलब बता, हम देखते हैं क्वेश्चन तो आइडिया लग जाता है कि हाँ कि इस तरह से स्टेप आगे लगेंगे ना तो फिर यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। बस यही करते हैं और कुछ नहीं, क्यों क्योंकि हम इसके पहले बहुत सारा अल्टर अल्टर टाइप का क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं अलग अलग टाइप का, तो फिर आइडिया लग जाता है उसे कि हाँ इसको इस स्टेप से आगे ले वो तो फिर यहाँ पे फाइनल हम लोग पहुँच जाएंगे। सबसे पहले तुमको दिया हुआ क्या है ना उस पे जाना, इसके बाद तुम फाइनल जगह पे पहुँचना, बीच वाला रास्ता खुद ही बनते रहेगा। तुमको स्टार्टिंग और फाइनल का याद रहना चाहिए कि स्टार्ट किए हैं हम यहाँ से और फाइनल हमको यहाँ जाना है। बीच में चाहे तुम कोई भी रास्ता अपना लो, ऐसा रखता लो इधर, तुमको यहाँ तक पहुँचना है, टारगेट रखना है तो ये कि तो रहेगा ना अब तो किसी का बड़ा भी जाएगा, किसी का दो लाइन में ही बनेगा तो उससे फर्क नहीं है, दो लाइन में बनाओ या फिर 8 लाइन में बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमको क्या हमारा चाहिए, सर मैं बुक कर तुमको केवल प्रूफ कर देना है ना। बोलो, मार्केट में बुक कब अवेलेबल हो रहा है? मार्केट का पता नहीं अभी कब बुक देगा मार्केट में। अरे बुक नया ना है तुम लोग का, तो बुक छापे में समय लगता है तो छपवा के फिर देगा। अरे यही सब चीज तुम लोग को उसमें भी देखने को मिलेगा। ये था डाउट, ये कौन बनाया है? कोई ने बनाया है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा है तो बनाए नहीं कितने बनाए नंबर आते हैं बनाए ये होंगे प्रश्न ला कोई नहीं पूछ रहा है। जी कोई बनाए नहीं किया तो पूछेगा क्या सर? उसको तुम लोग बनाई है रे, जोटेन होगा कोई नहीं कोई ने रियल लाइफ का मतलब नहीं बनाया है सर। बनाऊंगा किसी से, कितने नंबर है सर बनाए हैं सर? सर बनाई है बोलो कैसे बनाई है से? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिए सर। हाँ कॉस 3 थीटा को फॉर्मूला लगा के और ये वाला चीज वहां रख दो आ जाएगा, यही किया। फंस जाते हैं सोल्यूशन करते करते फंस जाते हैं कीजिए सर। बोलो रे खुशबू कौन बोल रही है, बोलो कैसे कैसे बनाई है? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा देखो, 4 cos³ यानी ये वाला रहेगा, यानी 1/2 × 4 × 8 और x+1/x³ ठीक। यहाँ पे देखो 3/2 कॉस थीटा की जगह यही पे x+1 देखो, तो यहाँ से ये 4 इसके लिए 4 से कटेगा, 4 × 8 मिलेगा क्या, 1/2 मिलेगा x+1/x³ 3/2 x+। यहाँ पे ना देखो तो कुछ कॉमन निकल रहेगा, 1/2 सर x+1/x कॉमन निकलेगा सर। तो अंदर मिलेगा x+1/x का होल स्क्वायर। नहीं बोली रे कौन बनाई थी, बोले सर नहीं बना था फालतू का बोल अरे काहे से रहा है।
काहे इसे हल्का में लेता है रे, हल्का में मत लो। अब देखो यहाँ पे सर बनाता तो थोड़ा बोल नहीं देता, क्वेश्चन कैसे बना स्टे। अब यहाँ पे देखो ये है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करो तो क्या हम लोग को मिलेगा? मिलेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस टू ए भी मिलेगा ना, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ना माइनस तीन है, यहाँ तक ठीक है तो बन गया ये, से ये कैंसल आउट करो। तो सही हाँ आ गया आ गया, अभी आवाज निकल रहा है। है नहीं सर, हम बनाए हैं। यहाँ देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स है, और देखो यहाँ पे ये कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर ये को ई वाला में से ई वाला घटाएगा तो माइनस वन। अरे गड़बड़ तो कहीं नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है। हाँ ये माइनस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अरे देखो ये किसका फॉर्मूला है, देखो अलजेब्रा फिर आ गया जी। बोल रहा था ना कि सर कैसे करें कि एक बार में समझ में आ जाए। देखो कुछ नहीं किए हम इसमें, कुछ नहीं किए हैं, तुम ध्यान देना यहाँ पे। कॉस थ्री थीटा का देखो, अब यहाँ पे ना ये किसी को कंफ्यूजन आएगा कि सर आप कॉस थ्री थीटा को ही लेके काहे चल रहे हैं। अब तो इधर से देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना होगा, क्या दिमाग लगाना होगा ना कि देखो हम लोगों ने कुछ वैल्यू दिया है और इस वैल्यू को हम लोगों ने यूज करना है, कहीं ना कहीं यूज करना है। तो कहाँ यूज कर सकते हैं, एक ही जगह यूज कर सकते हैं, कॉस थ्री थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा आ गया, और कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं, बस सेम चीज वही की। इसके बाद क्या है, इस स्टेप के बाद केवल अलजेब्रा है, केवल अलजेब्रा। ए बी सी डी, कहीं ए प्लस बी का होल क्यूब देखने को मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब देखने के लिए मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखने के लिए मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर देखने को मिलेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर देखने को मिलेगा। बस यही सारा चीज देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलता। अब बस वही चीज सारा चीज था। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या, अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकते हो, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से लगा दो डायरेक्ट 1/2। अब ये जब फॉर्मूला है तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब डाल सकते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/2, प्रूफ हो गया। और सर वो क्वेश्चन उतना सा हिंट दीजिए तो। वो अभी आउट डाउट है तुम्हारा, बोलो। सर मेरा भी एक है, जल्दी बोलो। ठीक है मिटाइए सर। लड़की लोग तुम लोग का डाउट नहीं ना, अरे तुम लोग का एक को डाउट नहीं हो रहा है ना, वाह बढ़िया है। पर बोलो कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 3/4। बनाओ इसको, तुम लोग बना लोगे का, इसमें करना है ज्यादा कुछ थोड़ी ना लाम झाम करना है। अच्छा तुम लोग कॉस 18 का वैल्यू बताए हैं निकालने के लिए, कॉस कॉस 18 साइन 18 का? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बताए। कॉस 18 साइन 18 कॉस 36 साइन 36 ये सब का वैल्यू नहीं बताए निकालने के लिए, कॉस 54 अच्छा तब अभी इसको रहने दो, तब बताएंगे इसको, तब सॉल्यूशन हो जाए। क्वेश्चन और तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए सर। आप मेरा भी देखिए ना सर। बोलो ना तोरे, बोलो ना। देखो क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 0.4 हाँ, फाइंड कोस थ्री थीटा बराबर, इसको तोड़ो ना रे, 4/10, 2 2 4, 2 5 10। अब यहाँ देखो साइन थी तो आंसर गलत होगा। देखो साइन थीटा बराबर 2/5 है, अब इसको कॉस थीटा बराबर कितना आएगा बोलो, 5 5 25, 2 2 4 25 में से
चार गया 21, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, 4 × 21, 21 21, यानी 21√21 डिवाइडेड बाय 5 × 25, 25 × 25 = 125, माइनस 3 × cos θ, थीटा की जगह √21/5, 125 सेल्सियम आ जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 21, 84 √21 माइनस 5 से 25, 25 से 25 = 75 √21 कितना रहा है, 14 में से 5 गया 9, 9√21 है। 9 सर √21 / 125 इतना ही तो आ रहा है, आंसर इतना ना है सर, नहीं है तो फिर गलती दिया। ओहो, 3/4 है यहाँ पे। आओ देखो, आओ स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ शायद और हो जाए। 21 को तो कुछ टूट भी नहीं करेगा रे। अरे ये 3/4 कुछ नहीं करना है, दूसरा आंसर है इसका। मारो ने कैलकुलेटर पर बैठाना, इतना जान ई लिया था मेरा 750 के था, मेरा तो कम में 523 है। 0.32 है सर, ये 0.33 है। 0.39 सर, हाँ सर, ये भी है 0.329, इतना भी आंसर आ रहा है। ये देखो कैलकुलेटर, देखो ना कैलकुलेटर में बता रहा है इतना ही। हाँ सर, 3 × 0.329। तो हेल्प करेगा कैलकुलेटर तुम लोग को बहुत। अब इंजीनियरिंग में ना बिना कैलकुलेटर का कुछ होगा ही नहीं। अभी देखना ना, ब्रांच पेपर घुसेगा ना तो हालत खराब करेगा। जरूरी है, हाँ ये जरूरी है। अच्छा हाँ, अरे बता चलाने के लिए। अरे मेन है ना, मेन है ना, बोलो डाउट मेन है ना कि इसमें देखो इतना सारा चीजें दिले है ना, इतना फंक्शन है ना कि का कहे, सिखा देंगे सारा चीज सिखा देंगे। बोलो सेक 220 बटा कोस 580 माइनस माइनस सर 10 940 बटा कोट 220 अब है सर, कन्वर्ट किए हैं उतना नहीं आ रहा है। देखो सेक 220 को कैसे लिखेगा, सेक 270 - 50, कॉस 580 को 2 × 270 + 40, कॉस 27 × 54, नहीं 360 से तोड़ो ना, 360 प्लस में 0, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2, 3 गया 220 आ रहा है। अच्छा रहेगा इसको 36 × 72, 36 3 3 9, यानी 360 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0 3 6 18 3 3 9 1080, यानी 360 × 3 माइनस करो, कितना घटाएंगे कि 940 पहुंचेंगे, 60 8 6 14 140, ठीक है ना, 10 8 में से 4 गया 4, ठीक है। कॉट 220 के पास पहुंचो, कैसे पहुंचेगा, 180 का सहारा लो, 180 प्लस 40 40 यस। देखो सेक 270, 270 पे चेंज होता है, सेक किस चीज में होगा, कॉसेक में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 270 यानी इसी में, यानी माइनस सेक 50 सॉरी माइनस कॉसेक 50 डिग्री, माइनस
यहाँ कॉस 220, देखो प्लस कॉस, कोऑर्डिनेट में हाँ कॉस 220 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? साइन 220 हो जाएगा। अरे साइन 220 कहाँ, 360 मीन्स जीरो, तो कॉस 220 ही ना रहेगा। अच्छा आप बदलेगा नहीं सर जी हाँ सर। यहाँ पे देखो ये खत्म, जीरो हो जाएगा, यानी टेन माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही निकलेगा, यानी माइनस यहाँ से बाहर ही निकलेगा, माइनस टेन 140। यहाँ पे 140 पे नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉट कॉटे में रहेगा, यानी कॉट 40। देखो ये माइनस यहाँ के, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब एक स्टेप आ भागो, अब तो आ ही जाएगा। इतना तक हुआ था, सर हम बदले थे इधर आप 360 लगा रहे हैं, हम लगाए थे 2 × 270। अच्छा तो कैसे हूँ लगाएगा तो यहीं पहुंचेगा। कॉस 220, अब देखो इसको तोड़ो, कॉस 220 को क्या लिख देंगे, कॉस 270 माइनस 50, जी सर ऊपरे टेन 140 को, 180 माइनस 40, कॉट 40 माइनस कॉस से 50 डिवाइडेड बाय कॉस, यहाँ पे देखो कॉस 270, 270 में से कुछ घटा रहे हैं, यानी इसी में है, 270 पे चेंज हो जाएगा, यानी क्या होगा, साइन माइनस साइन 50 प्लस, यहाँ पे देखो टेन 180 में से कुछ घटा रहे हैं, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी माइनस टेन 40 डिवाइडेड बाय कॉट 40। देखो ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, देखो ये कॉस 50 को ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 50, सॉरी कॉसेक का स्क्वायर 50, माइक कितना ऑफ है इसका माइक ऑन है, ऑफ करो ना, ऑफ कर लो माइक। अब देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अब देखो कॉट स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर, अच्छा यहाँ 40 आ रहा है, टेन स्क्वायर 40, कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है ना, एक स्टेप और आगे भागो, कॉसेक का स्क्वायर 50 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर 90 माइनस 50, जी सर। कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन इसका शायद आ रहा है, कॉसेक का स्क्वायर 50 माइनस, इसको तोड़ो, कॉट स्क्वायर, अरे गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया, इसको ऐसे लिखो, यहाँ कॉट की जगह टेन लिख दो, क्योंकि टेन स्क्वायर 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 होगा। अब देखो पचास हाँ टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर 50, देखो कॉसे का स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कहाँ गलती किया था, हो गया। पूछते पूछते बस इतिहास में घुस गया था, पिछला क्वेश्चन सवाल क्वेश्चन है सर एक्सरसाइज। हाँ अरे पीछे वाला डाउट नहीं कवर करवाया था, सर एक क्वेश्चन और लिखिए सर। अरे बाप बोलो, सेक पाई बाय फोर प्लस थीटा, अरे और तो इन ग्रुप के सहारा लिया करो, टू सेक पाई बाय फोर माइनस थीटा, बराबर 2 sec 2 थीटा 2 थीटा, 2 थीटा जी हो गए। अरे तो इसको चेंज करो ना, 1 बटा cos नीचे ला, गुने यहाँ पे भी ला, 1 बटा cos π/4, तो आ तो जाएगा तुरंत। और थोड़ा सा फिर तो वही आ गया, cos a + b और cos a - b, फार्मूला लगा दो हो जाएगा। तो खाली डाउट है रहा। अच्छा हो गया तुम सर लोग आप तो हो गया सर मेरा सब क्लियर हो गया हो गया क्लियर, और किसी का कोई डाउट जी सर रहा? आप देखो और तुम लोग को अच्छा सब कंप्लीट कर लिया 8 तक?
30 साल हो गया मेरा पूरा। हो गया सर्दी हो गया है मेरा।